आप लोग के लिए मैं ग्लिच लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया सा कायो पेरिको का ग्लिच है इन GTA। हम लोग जाएंगे कायो पेरिको विद अ ग्लिच एंड हम लोग पूरा करेंगे, पूरा एक हाइस्ट करेंगे हम लोग बहुत जल्दी से। स्पीड रन होने वाला है ये, मैं सोलो करूँगा, सोलो ग्लिच दिखाऊंगा आप लोग को। लेट्स गो। पहले हम लोग लोड कर लेंगे अपना GTA ऑनलाइन, जल्दी से GTA ऑनलाइन हम लोग लोड कर लेते हैं अपना। प्ले GTA ऑनलाइन, गो, लेट्स गो। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने कोसाटका में। ये हमारी सबमरीन है जो हम लोग को मिलती है 2.2 मिलियन की। आप लोग ले सकते हैं जाके वॉर स्टॉक्स में। यहाँ पे आप खोलेंगे अपना इंटरनेट, आपको यहाँ पे दिख आपको दिख जाएगा जाएगा यहाँ यहाँ पे ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट्स, यहाँ पे वॉर स्टॉक्स है। यहाँ पे जाएंगे आपको कोसाट का दिख जाएगी। अभी तो मेरे पास 25,000 की दिख रही है क्योंकि ये रेनोवेट रेनोवेट के लिए है, बट मैं ये सब नहीं करने वाला हूँ क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है यार ये सब। अभी मेरे पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है, आप लोग को मैं लाइव दिखाऊंगा ये चीज़ें। ओके हम लोग चलते हैं जल्दी से प्लानिंग स्क्रीन पे। तो गाइज मैं स्कोप आउट पहले ही कर चुका हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, मैं कायो पेरिको को स्कोप आउट पहले कर चुका हूँ। मेरे कोई भी प्रिपेयर नहीं हुआ है, प्रेप नहीं हुआ है। मैं अब आप लोग के साथ प्रेप करूँगा, जल्दी से हम लोग बॉस बन जाते हैं, सेक्रो सर्वर के बॉस बन गए गाइज हम। सीईओ, यू आर नाउ सीईओ ऑफ DX प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज जिस जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ यार। लेट्स गो द प्लानिंग स्क्रीन। वी हैव टकीला एंड सेकेंडरी टारगेट। सेकेंडरी टारगेट को हम लोग निगलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास दूसरा बंदा नहीं है। उसके भी ग्लिचेज है मेरे पास, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अभी हम लोग खाली एंट्री टू एग्जिट वाले ग्लिच लेके जा रहे हैं। सबसे पहले करेंगे हम लोग अप्रोच व्हीकल। ऑलवेज डू अप्रोच व्हीकल एज कोसाटका गाइस, सबसे ईजी होता है, सबसे जल्दी हो जाता है। लेट्स गो। हम लोग साइट पे आ गए हैं और अब आपको कुछ नहीं करना है, खाली अपनी सबमरीन को जो ब्लिप दिख रहा है वहां तक खुद लेके जाइए। आप खुद मत जाइए, सबमरीन को लेके जाइए हमेशा। ओके हम पहुंच गए इधर। टॉर्पीडोज से उड़ा दीजिए इनको। राइट क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे मारते हैं हम। ओके तीनों चीजें जा चुकी हैं, एक ये बचा है, ये भी गया। ओके एवरीथिंग इज गॉन। अब हमको क्वेश्चन मार्क पे लेके जाना है बस अपना सबमरीन को। दिस इज द इजीएस्ट ग्लिच गाइस, इजीएस्ट। बस यहां से अब इसको छोड़ देंगे हम। लेट्स गो। रिमेंबर गाइस, यहाँ पे अगर आप मर भी जाते हैं तो अंदर ही आप रिस्पॉन होंगे। मैं भी बहुत बार मरता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़े ज़्यादा एनिमीज आते हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर यू विल रिस्पॉन हियर। सबसे पहले राइट में जाइए, इसको मारिए। यहाँ पे कवर, अरे रख ले कवर। किधर गया? ये भी गया। रिलोड। एक और बंदा होना चाहिए। ओके okay.
मर गया। ओके यहाँ पे अगर नहीं है तो मतलब डेक के एकदम पीछे मिलेगा अब आपको, मीन्स इधर गो फ्रॉम दिस साइड और यू कैन ग्रो गो फ्रॉम अबव, बट हम यहीं से जाते हैं अब यहाँ आ चुके हैं तो। एक आएगा काटने में, ये देखिए देख, हट। ओके अब हमको इधर जाना है। ओके यहाँ एक होता है बट आई डोंट थिंक सो यहाँ पे भी हमारे पास है। एट द एंड ऑफ द शिप We don't have the sonar. It will be either here. और एक और जगह होती है कंट्रोल रूम, वहाँ पे भी हो सकती है। वहाँ पे बहुत कम ही स्पॉन होती है, अब की हम लोग के में स्पॉन हो गई है, रेयर केसेस में स्पॉन होती है वो। कोई बात नहीं, बस इस सीढ़ी से ऊपर जाइए सीधे इधर, यहाँ पे एक बंदा आएगा। One more here. टाइम टू हील, बस यहाँ से ऊपर है और हम लोग आ चुके हैं कंट्रोल रूम वाले एरिया में। बस ये रहा कंट्रोल रूम, एक यहाँ पे भी है बंदा। वन मोर, ओके ये रहा हमारा सोनार, ले लेते हैं हम इसको एंड वी विल गो, यहीं से निकल जाएंगे सीधे। लेट्स गो। मैं तो गाइस शॉटगन से ही करता हूँ और मैं मर गया, देखिए मैंने बोला था मैं मरूंगा जरूर। देखिए हम लोग यहीं बाहर रिस्पॉन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जेट्स की मिलेगी हमें एंड वी विल गो। आपको फिर से नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप जहां पे मरे हैं वहीं पे गिर जाएगा, तो मेरे को तो रास्ता पता है वहीं पे गिरेंगे हम। ऐसे गाइस लोकेट करना पड़ता है, सबसे ज्यादा देर यही मिशन लगाता है और कोई मिशन नहीं लगाएगा आपका सबसे देर। देखिए मेरे में दिखा रहा है कहां पे है, तो मैं सीधे जाऊंगा यहां से इसको, ये इसको मारो, ये खोलो, कुछ नहीं है इसमें। ओके लेट्स गो। और आपको कुछ नहीं करना है, आपका सबमरीन ऊपर ही खड़ा है, सीधे ऊपर चले जाइए। आपके ग्लोबल सिग्नल चालू होने से पहले आपका प्रेप खत्म, इसका इट्स दैट इजी गाइस। अब मैं जल्दी जल्दी सारे प्रेप आपको करके दिखाऊंगा स्किप कर करके, सो लेट्स गो। ऑलवेज ट्राई टू गेट गाइस 707 वेस्पूची, इट्स द ईजीएस्ट वन, क्योंकि अगर दूसरा वाला आपको मिलता है द मैरी वेदर, तो प्लीज़ अपना जो गेम है उसको नए लॉबी में चले जाइए, उसमें नए सेशन में चले जाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, ये सबसे कम टाइम टेकिंग है। अगर आपके पास एक स्पैरो है ये सबसे कम टाइम टेकिंग है। ओके आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको बिल्डिंग दिखाएगा आपको उसका रूफ टॉप पे जाना है गाइस। जैसे हमारी ये बिल्डिंग है,
हमको इसके रूफटॉप पे जाना है। इट विल बी द बेस्ट क्योंकि हमें नीचे लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को अंदर नहीं पता होगा हम आ गए हैं। इट विल बी इजियर टू गो एंड कम आउट। तो हम लोग जल्दी से चलते हैं अंदर, ट्राई करना मरने का, ना मरने का। ये बाथरूम वाले को मारने की कोई ज़रूरत है नहीं, आग से थोड़ा सा किनारे किनारे से चले जाइए। पहले ये वॉल पे देखिए, फिर उसके बाद कंप्यूटर पे आ जाइए, यहाँ पे कंप्यूटर होता है। ओके, द इजीएस्ट वे, पहला नंबर और लास्ट नंबर ये दोनों दिमाग में रखिए और मिलाइए इससे। 33 एंड 72, कहीं पे आपको 33 एंड 72 दिख रहा है। 33 एंड 72 ये रहा। द बेस्ट वे टू डू दिस लाइक दिस। ओके, स्टील द वेपन एंड ऑलवेज टेक द रूफ गाइस। नीचे से जाएंगे आप लोग, इट्स नेसेसिटी कि आप मरेंगे ही मरेंगे, आप लोग मरना जरूरी है, इसलिए ऑलवेज टेक द रूफ गाइस। कोई भी मिशन करिए, ऑलवेज टेक द रूफ। जस्ट टेक योर स्पैरो एंड गो टू योर कोसाट का। हो गया गाइस प्रेप, इतना आसान है गाइस इसके प्रेप्स। और बाकी के तीन अभी मैं दिखाता हूँ, जस्ट हमें तीन करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। नो सपोर्ट क्रू, नो नथिंग, डेमोलिशन चार्ज भी नहीं करना है हमें। बस हम अब दिखाता हूँ मैं, वो बस फॉलो करिएगा गाइस। आप इसके सबसे ऊपर चले जाइए, ये सबसे बड़ी वाली है, सॉरी जो छोटी वाली होती है उसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसमें आपको डायरेक्ट इसके टॉप पे जाना है, अपने स्पैरो में बैठे रहिए, यहाँ पे आ जाएगा। अब इनको मार देना है अपने स्पैरो से ही, रॉकेट से, लाइक दिस। ओके, हो गए हैं। अब इसको कहीं लैंड करवा दीजिए ऐसे ही नॉर्मली यहीं पे। ओके, नाउ वन मोर रिमेनिंग गाइस। देखो एक ना एक तो बचेगा ही, देखो वो तुमको मारना ही पड़ेगा। ओके, वन मोर। ओके, एवरीवन इज डन। अब यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन्स होते हैं इसमें देखना पड़ेगा आपको कहाँ पे है कटिंग चॉर्च। एक ये रहा, ये देखिए कटिंग चॉर्च मिल गई। ब्लू ब्लू कलर की होती है, जिस बॉक्स में भी ब्लू ब्लू कलर की होगी है आप उसको ले लीजिएगा। एंड वी आर डन एंड लेट्स गो। इट्स दैट सिंपल गाइस। हमारे पास अपना स्पैरो है, इसको उठाएंगे सीधे चले जाएंगे हमको साठ का। ओके, लेट्स स्टार्ट अनदर वन। इक्विपमेंट आई विल गो फॉर प्लाज्मा कटर, बट आप लोग फिंगरप्रिंट क्लोनर पे जाना चाहते हैं अगर तो जा सकते हैं, दोनों नॉर्मली है। मैं प्लाज्मा कटर इसलिए पहले जाता हूँ क्योंकि उसमें मारना पड़ता है लोगों को, प्रिंट फिंगरप्रिंट क्लोनर में इतना ज़्यादा मारना नहीं पड़ता है।
अगर आपके पास ऑपरेसर है देन इट विल बी अ गुड ऑप्शन, बट स्पैरो इज ऑल्सो ऑल राइट. आपको बस वहाँ जाके मिसाइल्स मारनी है. यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है गाइस, खाली एक बोर्ड ढूंढना है जिसमें इनका प्लान बना होगा जिनसे हमें चुराना है. ओ ये रहा, अपना कैमरा निकालिए एंड टेक अ फोटो, सेंड इट टू पवेल एंड लेट्स गो. ये हो गया, अब हमें प्लाज्मा कटर ढूंढना है गाइस, मेन चीज वो है. आई हैव एन ऑपरेसर बट आप लोग स्पैरो से भी कर सकते हो. आई विल टेक माय ऑपरेसर, इट विल बी डिलीवर्ड हियर. ओके लेट्स गो. ना होता है बट इफ यू हैव अ स्पैरो और ऑपरेसर लाइक मी, आप लोग यहीं से मार सकते हैं इसको. 1, 2, 3 and everyone is dead. No. Okay. If everyone is not dead, आप तब भी निकल सकते हैं यहाँ से. आपको बस देखना है कहाँ पे रखा है एंड हम लोग को मिल गया है. अच्छा अंदर ही है. ओके हमने ले लिया है और हम लोग निकलते हैं यहाँ से. Let's go. आपको अपना ऑपरेसर इसके यहाँ पे पार्क करना है, उतरना है और सबसे पहले रिटर्न कर देना है, नहीं तो आपका ऑपरेसर चला जाएगा इंश्योरेंस पे, क्योंकि ये सबमरीन है, ये पानी के अंदर चली जाती है. ओके इक्विपमेंट, ओके अब हो गया. गो टू द वेयर हाउस, लेट्स गो. Let's take the sparrow. आ गया स्पैरो आपका वापस. ओके लेट्स गो. ओके एंड हम लोग पहुंच गए हैं. अपना स्पैरो को नीचे रख लेते हैं. गन हाथ में लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लड़ाई होगी. कुछ नहीं कर रहा मैं, जस्ट गो एंड टेक कवर हियर एंड लेट्स बूम. थोड़ी सी लाइट बढ़ जाने दो. ओके आई थिंक हो गई. ओके हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे जहाँ पे हमें प्लाज्मा कटर मिलना है. इसको यहाँ से ऊपर सकू दिए, कोई बात नहीं, अलार्म की कोई दिक्कत नहीं है हमें. हमारे पास स्पैरो है, हमको बस निकल निकलना है यहाँ से. यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं होगा तो आपको कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है. ऑलवेज गाइज लास्ट में से चेक करना चालू करना, लास्ट में ही मोस्टली होता है यहाँ पे ये, और कहीं पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है. जल्दी जल्दी दौड़ो. एंड इसमें बंदे आएंगे आपको मारने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पास स्पैरो है, डायरेक्टली स्पैरो पे जाएंगे हम एंड वी विल जस्ट गो गाइस, वी विल जस्ट लीव. बाय बाय. ओके गाइस द प्रेप इज कंप्लीट, इट्स फुली डन. व्हाट द फक, आपको और कुछ भी नहीं करना है, बिलीव मी. सप्रेसर अप्रेसर मत खरीदना एकदम भी, वो आपको मिशन में मिल ही जाएगा. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? Okay, so guys, हम लोग चालू कर रहे हैं अपनी हाइस्ट.
जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है प्लीज़ यार सब्सक्राइब बटन दबा दो, बहुत ज़रूरत है हमें। 337 अपने सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी और हमें इस ईयर एंड तक 1000 तो ज़रूर करने हैं यार, आप लोग के ऊपर है। प्लीज़ यार शेयर करो वीडियो को और लाइक मारो और प्लीज़ यार सब्सक्राइब मार दो। लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो। चलो लेट्स कंप्लीट द हाइस्ट, स्टार्ट करते हैं। और अपने को कुछ नहीं चाहिए, जो भी डेमोलिशन चार्ज लेते हैं उनको बता दो कि कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। मैचमेकिंग क्लोज, मैं सोलो करूँगा ये। एक और ग्लिच वीडियो होगी जिसमें आपको दरवाजे भी खोलना सिखाऊंगा सोलो में, बट इसमें मैं खाली आपको एंट्री एंड एग्जिट दिखाऊंगा। एंट्री तो नॉर्मल है, एग्जिट आपको एक ग्लिच दिखाऊंगा, ग्लिच एग्जिट। जिन लोग को भी इसके बारे में नहीं पता है वो मेरी वीडियो यार जरूर देख लो यार। गेट द ड्रेनेज टनल, ड्रेनेज टनल, द कोसाट का, ऑलवेज यूज द कोसाट का गाइस, ऑलवेज यूज डे। वेपन लोड आउट में सप्रेसर यहाँ पे मिलेगा, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से सप्रेसर ले सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है एकदम भी। हायर सपोर्ट ग्रुप, अपोर्ट ग्रुप कुछ नहीं, 100% हमारा है। 3630 लेट्स गो, लेट्स स्पैम एक्स। इसमें ऊपर नीचे करके चलोगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है, ये मेरे को किसी ने बताया था बट आई डोंट थिंक सो ये होता है। ओके जल्दी से काटो, ऑलवेज यू गो फॉर वन बार गाइस, सारे एक साथ मत काटने लगो, एक एक करके काटो बेस्ट रहता है, जल्दी कटते हैं। ओके हमने कर दिया ये। Let's go in. Excellent. Did I ever tell you about the sewers in my hometown? It was there I first decided to join the Navy. Perhaps it will have the same effect on you. We will see. Off you go. Okay. यहाँ पे अपनी गन निकाल लीजिए. First. You did not get sucked into a turbine. Ah, I knew you'd be fine. How likely is it? थोड़ा पास से मारेंगे, हेडशॉट, कम हियर। You're in the area where Mr. Rubio's personal bodyguards operate. These men will know everything. Take this camera out. No disguise will fool them. ये बंदे को मारे, जगरनॉट आएगा गाइस, जगरनॉट को मारना जरूरी है, नहीं तो वो ये वाली जो यहाँ पे हमने लाश मारी है वो देख लेता है बार बार, तो प्लीज़ यहाँ पे रुकिए आप, जगरनॉट को आ जाने दीजिए, थोड़ा सा टाइम बर्बाद होगा बट हमारा मिशन जल्दी हो जाएगा। जगरनॉट आ गया, हमको यहाँ से उतरना है, जगरनॉट के पीछे जाना है और स्पैम कर देंगे अपनी ये शॉटगन को। Lo vi hace Bus. poco. Sí. ¿Seguro? Seguro se lo olvidó hace poco. ¿Nikalna hai? Jisko seedhe jana hai. Yahan pe ek banda hoga. Gone. Yahan se key mil gayi hame, niche gate ki. Always take the gate key guys. Wahin se jaiye. Aapko khali ek hi karna padta hai fir. Ek hi fingerprint karna padta hai. Aise aapko teen karne padenge upar jayenge to. But upar jana bhi zaruri hai kyunki upar cash hota hai thoda. यहाँ पे वेट करिए, ऑलवेज यूज मिली अटैक ऑन दिस गाय गाइस, ऑलवेज यूज सर्कल और एल्स किसी ना किसी को गोली सुनाई दे देती है, मैंने देखा है कुछ तो ग्लिच है, किसी ना किसी को सुनाई दे देती है। ओके लेट्स गो, टेक दिस वन, थोड़ा सा कैश होगा यहाँ पे, गन होगी ले लो एंड टेक, कम हेयर एंड प्रेस राइट, यू विल गेट गोल्डन पिस्टल ऑफ मद्रास हो गाइस, पेरिको पिस्टल एंड लेट्स गो फ्रॉम हेयर, वी विल नॉट डू फ्रॉम हेयर। सीसीटीवी इमेज इज अ लिटिल बोरिंग, वाज दैट अ गन मेड ऑफ
यस ब्रो ठीक है, आपको यहाँ से वापस नीचे जाना है बिल्कुल, देन टेक राइट, यहाँ से कूदिए, टेक दिस एंट्रेंस, ओपन इट, एंड हम लोग इधर से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे गाइस एक ही प्रिंट करना पड़ता है, फिंगरप्रिंट, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं उसको, ऑलवेज मैच द फर्स्ट वन, जैसे मैच्ड है फिर सेकेंड वन को दो और आगे बढ़ा दो, जैसे ये सेकेंड हो गया, फिर इस पे एक दो तीन हो गया, फिर एक दो तीन चार, देखो ये हो गया, बहुत आसान होता है ये करना, सबसे तेज तरीका है ये गाइस। ओके अब भागते हुए जाएंगे हम, एंड लेट्स ओपन दिस, ऑलवेज ट्राई टू डू विथ समवन एल्स गाइस क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, एंड इसको पूरा आप हीट तक करिए और वापस नीचे आने दीजिए, फिर पूरा हीट तक करिए तो जल्दी कटता है ये, अगर आप धीरे धीरे काटेंगे तो बहुत टाइम लगा देगा, ऐसे देखिए तीन या चार बार में हो जाता है, देखो चार चौथी बार में हो गया आधे पे, एंड वी आर डन, एंड लेट्स गेट आउट दिस कंपाउंड, वापस इधर ही से जाना है, लेट्स गेट आउट, ओके लेट्स टेक सम गार्ड्स आउट, इसको ले लो, वी आर डन, लेट्स गेट आउट, अब अगर आपको वीड लेनी है या बाकी का सप्लाई लेनी है तो आपको राइट में जाना पड़ेगा, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा, जाना है पहले इसको मारना है, टेक दिस, ऑलवेज टेक द बैक एग्जिट गाइस, सबसे बेस्ट रहती है ये, एंड हमारे पास लाइफ बहुत कम है तो हमें एमो और आर्मर भी लगाना पड़ेगा, Always take this and go underwater. आप जितना वाटर के अंदर रहेंगे आपको उतना ही कम गोलियां लगेंगी, आपको को साटका तक नहीं जाना है, आपको खाली बैक एग्जिट में एकदम सीधे चलते रहना है, एंड वी आर डन, लेट्स गो, मुश्किल से ये 30 मिनट्स की वीडियो होगी और हमने पूरा हाइस्ट कर दिया है 30-40 मिनट्स में, आपको एकदम भी को साटका में नहीं जाना है, आप पीछे पानी में जाइए और सीधे चलते रहिए, दैट इज़ द ग्लिच गाइस जो रॉकस्टार कभी सही नहीं करता है, आपको बस सीधे चलते रहना होता है, एंड हम लोग को मिल गया है अपना एक्चुअल टेक 5 लाख रुपीस, अगर आप दोस्तों को लेके जाएंगे ये थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, और इलाइट चैलेंज भी आप कर सकते हैं उसमें, देखिए मैंने सारा कर दिया है, बस फिल द बैग वाला नहीं हुआ है, अगर दोस्तों के साथ जाएंगे आप वो भी कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको लाइव पे दिखाऊंगा अपने दोस्तों के साथ करते हुए, सो सब्सक्राइब कर लो गाइस एंड लेट्स गो, और यहाँ भाई दारू शारू चल रही है, नींबू चूसा जा रहा है, दारू चल रही है, टकीला पी जा रही है, जो टकीला हम लोग चुरा के लाए हैं वही पी जा रही है भाई, इलाइट चैलेंज नहीं कर पाया, इन 9 मिनट्स 58 सेकंड में मैंने किया ये, हम कर चुके हैं अपना कोसाटका वाला कायो पेरिको कंप्लीट, और जिन लोग ने भी यार अभी तक बने हुए वीडियो पे प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब कर दो और शेयर दो वीडियो गाइस, जिन लोग जितने ज़्यादा लोग के पास पहुंचा सको तुम लोग, एंड प्लीज़ उन लोग सभी का शेयर सब्सक्राइब कर दें, ओके तो हम लोग अब निकलते हैं, बाय बाय।